और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के लिए आज पर्चा भरेंगे सीएम धामी। चंपावत सीट से नामांकन करेंगे सीएम धामी। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कई मंत्री और विधायक भी उनके साथ में मौजूद होंगे। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। 11 मई है नामांकन की आखिरी तारीख और 31 मई को वोटिंग है। 3 जून को नतीजे आएंगे। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी इस सीट से उम्मीदवार हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन भरेंगे, उनके साथ में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच सीएम धामी आज नामांकन करेंगे और इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के सभी सीनियर नेताओं के साथ में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। और बता दें कि 11 मई नामांकन का आखिरी दिन है। 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। वहीं चंपावत से सीएम धामी के मुकाबले कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट का मामला है। एमपीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पासपोर्ट अधिकारी नसीम अहमद कोर्ट में दे सकते हैं गवाही। 2019 में अब्दुल्ला पर दर्ज हुआ था केस। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो 2 पासपोर्ट रखने के मामले में आज सुनवाई होनी है। एमपीएमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट रखने का मामला है। पासपोर्ट अधिकारी नसीम अहमद कोर्ट में आज गवाही दे सकते हैं माना जा रहा है। 2019 में अब्दुल्ला पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। एसपी नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट के मामले में आज सुनवाई होगी। मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पासपोर्ट अधिकारी नसीम अहमद कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसबीएसपी के